टी20 सीरीज की समाप्ति के बाद अब बारी है ओडीआई सीरीज की और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के ओडीआई सीरीज के फुल शेड्यूल के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे किस किस को जगह मिली है ओडीआई स्क्वाड में और लास्ट में देंगे अपना ओपिनियन कि क्या क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीरीज से, बिकॉज इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। सो तीन मैचेस की ओडीआई सीरीज रहने वाली है, जहां पर पहला मुकाबला खेला जाएगा गुवाहाटी में, दूसरा मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता में और तीसरा मुकाबला खेला जाएगा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में। सो दोस्तों ओवरऑल ये मैचेस डे या नाइट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया के स्क्वाड की, जहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है और वो ये है कि जसप्रीत बुमराह की इस टीम में वापसी हो चुकी है। स्क्वाड में नज़र डालने से पहले स्क्वाड को डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पे को सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं बैट्समैन से। तो एक्सपेक्टेड है पांच बैट्समैन का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जिसमें सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पर हैं शुभमन गिल, तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, चौथे नंबर पर हैं श्रेयस अय्यर और पांचवें नंबर पर हैं सूर्य कुमार यादव। अब बात करते हैं दोस्तों विकेट कीपर्स की। सो दो विकेट कीपर्स का सिलेक्शन यहाँ पे को हुआ है। सबसे पहले नंबर पर हैं केएल राहुल, जो आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे, और दूसरे नंबर पर हैं ईशान किशन, जो कि एक बैकअप ओपनर की तरह खेलते हैं। पिछला मैच दोस्तों ईशान किशन का बांग्लादेश के खिलाफ था, जहां पर उन्होंने दोहरा शतक मारा था, बट स्टिल आई फील कि केएल राहुल अपनी पोजीशन को यहां पे को रिटेन करने वाले हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी टाइम से यहां पे को टीम उनके ऊपर रिलाई कर रही है मिडिल ऑर्डर पे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। सो तीन ऑलराउंडर्स इस टीम में लिए हैं। सबसे पहले हैं हार्दिक पांड्या, दूसरे नंबर पर हैं अक्षर पटेल और तीसरे नंबर पर हैं वॉशिंगटन सुंदर। सो हार्दिक पांड्या दोस्तों इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं, बिकॉज पिछली सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ थी वो उन्होंने मिस की थी, बट इस सीरीज में आपको स्टार्टिंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। सो ऑल इन ऑल ऑलराउंडर सेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। सो दो यहाँ पे को लेग स्पिनर्स इंडिया ने लिए हैं। सबसे पहले हैं युजवेंद्र चहल और दूसरे हैं कुलदीप यादव। सो कुलचा की जोड़ी यहाँ पे को आ गई है। उसके बाद हैं दोस्तों मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। सो ये है दोस्तों टीम इंडिया का फुल एंड फाइनल ओडीआई स्क्वाड, जो कि है श्रीलंका के खिलाफ तीन मैच की ओडीआई सीरीज के लिए। कौन से प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों अपने ओपिनियन के बारे में। सबसे पहला ओपिनियन है दोस्तों यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से, जहाँ पर श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए दिखेंगे सूर्य कुमार यादव के ऊपर। सूर्य कुमार यादव का दोस्तों ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है अभी तक जितना उन्होंने खेला है, बट श्रेयस अय्यर यहाँ पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। आप उनके लास्ट के तीन मैचेस के रिकॉर्ड भी देख सकते हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ थी। सीरीज काफ़ी ज़्यादा लो स्कोरिंग रही थी, जहाँ पर श्रेयस अय्यर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात देखने वाली ये होगी स्क्वाड में कि क्या युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव साथ में खेलेंगे या नहीं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे को बॉलिंग सेक्शन को देखें, सो टीम इंडिया को इस सीरीज में ये देखना होगा कि कौन सा बॉलर उनके लिए ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने वाला है। क्या वो युजवेंद्र चहल होंगे या क्या वो कुलदीप यादव होंगे, बिकॉज दोनों रिस्क स्पिनर्स हैं और दोनों इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं। सो देखना क्रूशल होगा कि कौन सा प्लेयर पहले खेलता है, बिकॉज कुलदीप यादव काफ़ी टाइम से टीम से नहीं जुड़े हैं। युजवेंद्र चहल टीम के साथ थे बट उनको काफ़ी ज़्यादा कम मौके मिले थे। सो इस सीरीज के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर फ्रंट रनर है एंड ओवरऑल आपको इस टीम की एक पिक्चर दिख जाएगी आगे वर्ल्ड कप के लिए कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप में खेलने वाली है और क्या रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं सो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।